बॉम्बे बकरेबाज एंटरटेनमेंट और हम लोग अलशेख गोट फार्म पे हैं एंड हमारे साथ में इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अदनान भाई। इरफान भाई, ये वीडियो हम लोग एक चीज़ मेंशन करना भूल गए थे, आप मेंशन कर दीजिए सबसे पहले। जो सबसे पहले बताऊंगा, ये हमारे नए चैनल पे वीडियो बन रही है जो बॉम्बे बकरेबाज एंटरटेनमेंट। और दूसरी बात ये है कि ये अलशेख पे मैं शूट करवा रहा हूँ, हमारे भाई नहीं है, तो दोनों भाई नहीं है, अपने आसिफ भाई उमरा करने गए हैं और अपने फैसल भाई तो आउट ऑफ इंडिया है, तो वो हिसाब से मुझे बोला गया है कि भाई आप जरा देख लो, उस हिसाब से अपन रिलेशन में अपन कर रहे हैं। और ये आईफा कलेक्शन के उनके पास पलाई पे बकरे हैं, जिनके ओनर है तारिक भाई। उनका नाम मेंशन किए थे, उनका जो कलेक्शन का नाम है वो भूल गए थे हम लोग। कलेक्शन का नाम है आईफा कलेक्शन उनका नाम है। और ये बार हम लोग एग्जॉटिक बकरे देखे, माशाल्लाह दोनों ही बोर है, इनका प्राइस क्या कुछ ज्यादा हाई रहता है इरफान भाई? रेयर चीज की तो प्राइस हाई रहती है, ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि अभी व्हाइट बोर्ड ढूंढेंगे जल्दी मिलता नहीं है, और प्लस मार्बल सीन है पूरे, ठीक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और दूसरा जो बोर है वो भी माशाल्लाह एंटीक कलर है, कलर उसका अच्छा है, कलर बहुत प्यारा है उसका। दोनों बकरे मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। और दोनों बकरे माशाल्लाह एक 6 दांत पे है, ये वाला 6 दांत पे, हाँ, ये 8 दांत कर चुका है, 8 दांत पे, हाँ। और 80+ दोनों बकरे हैं, 80 के ऊपर है ना, 85। ये इसकी हाइट काफी ज्यादा कम लग रही है, ये शॉर्ट बोर है। देखो बोर आपने देखा होगा अपना अदनान भाई के, शॉर्ट जो बोर आते हैं उसमें शॉर्ट का है, ये थोड़ा सा हाइटेड में है, ये हाइटेड में। तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क रहता है क्या, शॉर्ट हाइट बड़ा हाइट कुछ मिक्स? सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को शॉर्ट बोर पसंद आता है, किसी को हाइटेड बोर पसंद आते हैं। तो इसमें जो ब्रीड होती है एक्चुअल, तो शॉर्ट हाइट वाली रहती है कि लॉन्ग बड़े हाइट वाली? शॉर्ट बोर जो है, जो प्योरिटी जो इनकी रहती है वो शॉर्ट में। तो ये किसमें क्रॉस किए रहते हैं वैसे भाई? लेकिन ये दोनों भी सेल के लिए बकरे अवेलेबल है, सेल के लिए माशाल्लाह दोनों एकदम एक्सोटिक में। तो इरफान भाई, मैंने जब भी आईफा कलेक्शन लास्ट टाइम शूट किया था, उनका ना नाम का बहुत एक अलग ही अलग, हाँ, एंटिक नाम रखे, जब देखा तो उनके नाम बहुत यूनिक लगे। तो क्या नाम है आप भी बता देना, एंटरटेनमेंट हमारे चैनल के साथ तो नाम भी एंटरटेनमेंट है। ये चॉकलेट है इसका नाम, इसका नाम चॉकलेट है, और ये वेनिला है, ये वेनिला है। तो जिसको भी चॉकलेट और वेनिला ज्यादा पसंद है तो ये बकरे खरीद सकते हैं, कॉल करे। वैसे पैसे माशाल्लाह दोनों अच्छे हैं भाई, और दोनों खूबसूरत है, आके लाइव देखो इंशाल्लाह आपको दिल। वैसे इरफान भाई को हम लोग काफी सालों से देख रहे हैं, इनको बकरों में काफी अच्छा नॉलेज है कि बकरे कैसे खरीदना चाहिए और कैसे मतलब पालना चाहिए, ये चीज का इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है अलशेख की पलाई कैसी हुई है इतनी गर्मी के बावजूद? अलशेख की पलाई तो हमारे जो मापुली के पट्टा है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मतलब रिकॉर्ड बना दिया हमारे फैसल भाई ने और आसिफ भाई ने, माशाल्लाह इन्होंने, जैसे भी आप वीडियो चल रही है गॉडज़िला की काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, 142 केजी का सेल्फ फीडिंग के बोर इन्होंने बनाया है, मतलब ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाई बोर में, मैंने तो नहीं देखा अभी तक के भाई इतना हैवी बोर, और माशाल्लाह वो इतने वेट पे भी माशाल्लाह भाग रहा दौड़ रहा है, उसमें मतलब हाफ नहीं रहा है, एक्टिवनेस है उसके अंदर, माशाल्लाह वो रिकॉर्ड है भाई हमारे आसिफ भाई फैसल भाई का, माशाल्लाह पलाई तो आउटस्टैंडिंग है भाई, जवाब दिए माशाल्लाह। और यहाँ पर सब बकरे माशाल्लाह सीने से स्ट्रक्चर से कमर से सब तैयार है माशाल्लाह, सब तैयार है बकरों में, कमी नहीं, काफी गर्मी भी यहाँ पे खाली अंडों ने खस्सियों में माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई और फैसल भाई का हाथ बहुत अच्छा है, उनके दोनों कलेक्शन माशाल्लाह है बहुत प्यारे कलेक्शन है। वैसे ये बकरे आईफा कलेक्शन के है तारिक भाई के, जिसको भी खरीदना है माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, ये देखो इतने वेट पे भी माशाल्लाह इतना एक्टिव है कि वो छोड़ नहीं रहा है, जिसको वेनिला ज्यादा पसंद है वो ये ले सकता है। एक्टिवनेस देख सकते हैं माशाल्लाह बकरों की इतनी गर्मी में भी। तो इरफान भाई, ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया, ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।